Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to our channel. In this video, we'll cover the whole installation process of vinyl flooring sheet step by step. हम एक एक चीज जानेंगे क्या क्या आपको precautions लेनी होती है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है, tips, tricks and everything I'll tell you. So make sure that you watch this video till the end. तो first step जो है, हमने room के according जो है vinyl flooring sheet को cut कर लिया था एंड उसके बाद हमने इसकी बैक साइड पर एडहेसिव लगाना चालू कर दिया है. एडहेसिव बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है जिसकी मदद से हम फ्लोर पर जो है विनाइल फ्लोरिंग शीट पेस्ट करते हैं. जो हम एडहेसिव यूज़ करते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी का एडहेसिव है, जिसका नाम है SR505. काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एडहेसिव का नाम बता दो, तो वो पीडीलाइट ब्रांड की तरफ से आता है SR505. लोकल एडहेसिव भी आते हैं बट ये 400 रुपीज़ लीटर का एडहेसिव है, बेस्ट क्वालिटी का एडहेसिव है, तो हम यही यूज़ करते हैं. ठीक है, SR505 की फुल फॉर्म है सिंथेटिक रबड़. SR स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक रबड़. मैं आपको एक बार पूरा एरिया दिखा देता हूँ. ये रेंटेड अपार्टमेंट है बेसिकली, तो हम पतली वाली फ्लोरिंग शीट लगा रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आधा घर बेसिकली कवर हो चुका है एंड जो सामान था वो इधर हमने शिफ्ट कर दिया है ताकि ये वाले दो रूम जो बचे हुए दो रूम हैं उसमें भी हम फ्लोरिंग शीट लगा दें. तो फर्स्ट स्टेप जो है, मैंने आपको बताया कि हमने फ्लोरिंग शीट जो है रूम के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कट कर ली एंड उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है हमने फ्लोरिंग शीट की जो बैक साइड है उसके ऊपर एडहेसिव लगाना जो है चालू कर दिया है. एडहेसिव का नाम मैं आपको बता चुका हूँ. अभी तक वीडियो समझ आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. राइट, तो ये दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आपको सिंपल स्टेप्स में मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें. तो उसके बाद हमने ये सूखने के लिए छोड़ दिया था एंड उसके बाद जो हमने इसको रोल बैक करके साइड में रख दिया था. अब हम फ्लोर पर एडहेसिव लगाएंगे. ठीक है, अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ऑल्सो कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है. पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका फ्लोर होना चाहिए वो स्मूथ एंड ईवन होना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं मार्बल हो रखा है. ठीक है, तो एकदम स्मूथ है, प्लेन फ्लोर है, ऊपर से हमने इसको क्लीन भी कर दिया था, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है. सीपेज वाले फ्लोर पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया सीपेज वाले फ्लोर पर हो सकती है फ्लोरिंग, तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता. ठीक है, कि सीपेज वाले फ्लोर पर आप ये फ्लोरिंग शीट लगाएं. इन केस आपको मन कर रहा है, इन केस आपको लगानी है, तो अच्छी क्वालिटी वाली लगाएं. ठीक है, तो इसका जो प्राइस है ये 25 रुपीज़ स्क्वायर फीट है विद इंस्टॉलेशन. ये आप देख सकते हैं हमने पंखे भी चला रखे हैं ताकि ये जो एडहेसिव हमने फ्लोर पर लगाया था ये सूख जाए. ठीक है, उसके 5 मिनट बाद ही हमने ये जो शीट लगाई थी, ठीक है, शीट पर हमने ऑलरेडी एडहेसिव लगा दिया था, उसके बाद हमने इसको पेस्ट करना चालू कर दिया है. हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि फ्लोर जो है वो स्मूथ होना चाहिए, इवन होना चाहिए. इनकेस कहीं से ऊपर नीचे हो रखा है तो मेक श्योर कि आप उसको POP से भर दें. मैं ऊपर एक वीडियो लिंक डाल दूंगा, आपको उस पर पता चल जाएगा. बाकी आप और वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे फ्लोर इवन नहीं था, तो पहले हमने उसको POP से इवन कराया था, स्मूथ कराया था, एंड देन उसके बाद हमने विनाइल फ्लोरिंग शीट या प्लैंक्स इंस्टॉल कराए थे. राइट, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, पतली वाली शीट है, इसकी जो आप लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो समवेयर बिटवीन 3 to 5 years. तो सबसे एक बारी मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बताता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्लोर के अकॉर्डिंग जो जिस रूम में ये लगनी है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लोरिंग रोल में से शीट कट कर ली. उसके बाद शीट के ऊपर हमने एडहेसिव लगा दिया जो कि था हमारा सेकेंड स्टेप. उसके बाद हमने उसको रोल बैक करके हटा दिया था. थर्ड स्टेप था हमने फ्लोर पर एडहेसिव लगाया. तो बेसिकली दो लेयर लगती है एडहेसिव की, ठीक है, ताकि प्रॉपर पेस्टिंग हो. एक बारी हमने फ्लोरिंग जो शीट है उसकी बैक साइड पर एडहेसिव लगाया, उसके बाद आफ्टर दैट हमने फ्लोर पर एडहेसिव लगाया. उसके बाद हमने पेस्टिंग चालू कर दी है. हमने पंखे जो है वो ऑन रखे हुए हैं ताकि जो है जो एडहेसिव है वो प्रॉपरली सूख जाए. ठीक है, तो एक जो लेयर है, इस जो रोल है इसकी जो विड्थ है मतलब कि चौड़ाई है वो है 5 फुट. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रूम है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 16x13 का रूम है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ये जो इसको कहते हैं स्कर्टिंग, तो स्कर्टिंग में जो हमारे क्लाइंट्स उन्होंने मना कर रखा था कि स्कर्टिंग में हमें फ्लोरिंग नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने स्कर्टिंग में फ्लोरिंग नहीं लगाई है और विद द हेल्प ऑफ कटर हमने ये कट कर लिया है. ठीक है, तो ईजी है इंस्टॉलेशन. इन केस अगर आप खुद भी लगाना चाहते हैं तो खुद भी लगा सकते हैं, बट मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल से ही लगाएं. ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, हम साइड में जो है साइड में भी कटिंग कर दी है और एक साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एक लेंथ, इसको कहते हैं एक लेंथ हमारी डल चुकी है, अब दूसरी लेंथ डलेगी। ठीक है, तो ये जो रूम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस रूम की जो चौड़ाई है वो है 13 फुट, तो बेसिकली इसमें 3 लेंथ डलेगी एंड जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेटली 16 फुट के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी लेंथ जो है वो डल रही है, एडहेसिव हमने प्रॉपरली लगा दिया था। तो पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने पहले तो मेक श्योर करना है कि फ्लोर जो है वो हमारा स्मूथ है, ईवन हो, कहीं से उसमें डैम्पनेस ना हो, सीपेज ना हो। उसके बाद जब फ्लोरिंग शीट लग जाती है उसके बाद हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा हैवी फर्नीचर है, फॉर एग्जांपल बेड हो गया, अलमीरा हो गई, या कोई टेबल है या सोफ़ा है, कोई भी हैवी फर्नीचर है, उसको हम लिफ्ट एंड शिफ्ट करें, उठाएं एंड देन रखें। अगर आप ड्रैग कर देंगे, जैसे कि ये जो रूम है इसको अभी हमने खाली कर रखा है, तो जब हम इसमें दोबारा फर्नीचर वगैरह लगाएंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट करें। ठीक है, प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे टेबल के पाँव हैं, या कहते हैं ना जिसके ऊपर टेबल है, चेयर है, उसके पहिए हैं, उसके नीचे हम कोई गत्ता लगा सकते हैं, या फिर इसी शीट का जो पीसेस बच गए होंगे वेस्टेज वाले वो लगा सकते हैं, ताकि इनके इस गलती से हमसे कुछ ड्रैग हो जाए तो बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाए शीट और जो फर्नीचर है उसके। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ वो समझ आ गई होगी। ठीक है, और जैसी जैसी आप अच्छी क्वालिटी की शीट लगाते जाएंगे उतना जो है उसकी लाइफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, टेम्प्ररी आपको कुछ चाहिए तो आप ये वाली शीट लगा सकते हैं जिसकी लाइफ मैं बता चुका हूँ 3 to 5 years है। अगर आपको कुछ हैवी चीज़ चाहिए, कुछ बढ़िया क्वालिटी की चीज़ चाहिए, तो इससे मोटी फ्लोरिंग आती है 40 rupees स्क्वायर फीट वाली, वो आप लगा सकते हैं। आपको कुछ अच्छा चाहिए, थोड़ा अपना घर है, अपनी शॉप है, शोरूम है, और कुछ बढ़िया लुक चाहिए तो आप प्लैंक्स लगा सकते हैं जो कि 70 rupees स्क्वायर फीट है। सबकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बीच में एक जॉइंट होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दो जो हमने लेंथ डाली है, दो लेंथ डाल चुके, बीच में एक जॉइंट आएगा तो उसको ऐसे कट कर देना होता है, बीच में एक ओवरलैपिंग एरिया होता है उसको कट कर देते हैं, एंड देन ऊपर से एक पीस निकलता है एंड नीचे से एक पीस निकलता है, ये देखा आपने, एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे तो बीच में बिल्कुल पता नहीं चलता एक भी एज सच कोई जॉइंट है, एंड बेसिकली ऐसा लगता है कि पूरे रूम में एक ही शीट एज इट इज़ बिछा रखी है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कोई लेंथ, वैसे 3-4 लेंथ डाल रखी है या कुछ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बारी फाइनल लुक दिखा देता हूँ इस रूम का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रूम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो जो ये पूरा घर में है, हमने फ्लोरिंग एक ही दिन में कवर कर दी थी, अप्रोक्सीमेटली 1000 square feet ऑफ ये एरिया था, एंड आई होप आपको काम पसंद आया होगा। काम पसंद आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।